हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का एक पेपर, और ये पेपर हुआ था 10/8/2017 को, 10 अगस्त 2017 को, और ये सेट 11 है। इससे पहले के सेट भी आप देख सकते हैं। तो इन सेट्स को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम में और क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये स्पॉटिंग करके क्वेश्चन है और एक सेट पैटर्न होता है टीयर वन में। 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और ज़्यादातर क्वेश्चंस यानी 80% क्वेश्चंस आपको काफ़ी सिंपल लगेंगे यदि आप टीयर वन का एग्ज़ाम देते हैं। देखिए, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग, तो ये एक सिंपल सा रूल है कि प्रेफर के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, हम देन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग और गोइंग आउट को कंपेयर किया गया है प्रेफर से, और रीडिंग और गोइंग आउट यहाँ पर एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं, तो हम नाउन को भी कंपेयर कर सकते हैं और जेरेंड को भी कंपेयर कर सकते हैं प्रेफर से। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, तो इसमें प्रेफर में हम मोर नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्रेफर का मतलब ही होता है कि बेटर देन। प्रेफर से पहले हम यहाँ पर मोर नहीं लगाएंगे, और प्रेफर के बाद हम देन नहीं लगाते हैं। तो ये देन पार्ट जो है ये गलत है, और ये पार्ट किस में दिया है, ये पार्ट दिया है सी में, इसलिए सी इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। रोहित इज़ 2 ईयर जूनियर देन, इसमें भी जूनियर और सीनियर के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, गॉड इज़, और ये फिलर का एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एलिमिनेट करें आप जो यहाँ पर नहीं हो सकता, और एक तरीका ये है कि आपको मतलब पता हो इन वर्ड्स का तो आप लगा सकते हैं। अब देखिए, गॉड इज़ मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है जो एक दिन मर जाएगा, जो मरणशील है, तो गॉड इज़ मॉर्टल, ये तो गलत हो जाएगा। मॉर्टल तो हम बोल नहीं सकते गॉड को, मैन मॉर्टल है, गॉड मॉर्टल नहीं है। इमिनेंट का मतलब होता है जो होने वाला है, IMINENT इमिनेंट का अर्थ होता है जो होने वाला है, अबाउट टू हैपन। तो इमिनेंट, गॉड इज इमिनेंट का क्या मतलब हुआ, गॉड होने वाला है या आने वाला है, कोई सेंस नहीं निकलेगा इसका। और गॉड इज डेफिडेंस, डेफिडेंस का अर्थ होता है आदर करना किसी व्यक्ति का, मतलब ये नाउन है, इसका मतलब होगा आदर। तो यहाँ पर एक्चुअली अगर एडजेक्टिव, यहाँ पर अगर ये एडजेक्टिव फॉर्म में होता तो ये सही हो सकता था, जैसे गॉड इज डेफिडेंशियल, मतलब गॉड आदरणीय है, लेकिन डेफिडेंशियल वर्ड यहाँ पर होता तो ये सही होता। डेफिडेंस का मतलब होता है आदर या इज्जत, तो ये नाउन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर आपको एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए, गॉड इज इमिनेंट, इमिनेंट का अर्थ होता है जो आपके अंदर है, जो अंतर्निहित है, जो इनबिल्ट है, जो इनबॉर्न है, ठीक है, जो पहले से ही आपके अंदर है। तो इस वर्ड का सही सेंस यहाँ पर निकल रहा है, और ये एडजेक्टिव भी है इमिनेंट, ठीक है, तो इमिनेंट यहाँ पर आपका इसका सही आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IMMANENT। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिया हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2016, रिया ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 2016 में किया। अब क्या किया, कंप्लीट किया, पास्ट किया, ऑब्टेंड किया, गैदर्ड किया। देखिए, कंप्लीट हम करते हैं डिग्री को, लेकिन यहाँ पर हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीटेड नहीं आएगा। ऑप्टेन का मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, गैदर का मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, पास जो वर्ड है ये आता है एग्जामिनेशन के साथ, तो पास्ट कहना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और चूंकि यहाँ हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं 2016 की, तो इसलिए ईडी फॉर्म ही यहाँ पर लगेगा, और ईडी फॉर्म में इसको कहना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर्टिकुलेट, वैसे तो आर्टिकुलेट का अर्थ फ्लुएंट होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा है, जो फ्लुएंट है, उसको हम आर्टिकुलेट बोलते हैं, लेकिन आर्टिकुलेट का एक मतलब क्लियर या डिस्टिंक्ट भी होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डिस्टिंक्ट, ठीक है। डोमिनेट करना मतलब किसी को दबाने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं डोमिनेट, और इसका नाउन फॉर्म जो होता है डोमिनेंस, ठीक है। अनस्टेडी का अर्थ होता है जो मजबूत नहीं है, जो कमजोर है, तो डिस्टिंक्ट यहां पर इसका सही आंसर होगा। सिमिलर वर्ड आपको बताना है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं असेंड, ये भी सिमिलर वर्ड है, और असेंड का अर्थ होता है, इस वर्ड को आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, असेंड का अर्थ होता है चढ़ाई करना, ठीक है, किसी के ऊपर
किसी सीढ़ियों पर चढ़ना या चढ़ाई करना, धावा बोलना, उसको हम बोलते हैं असेंट। तो असेंट का यहाँ पर सही होगा क्लाइंब, और इससे मिलता जुलता एक वर्ड और होता है असेंट, ASENT, जिसका अर्थ होता है अप्रूवल या अग्री करना किसी व्यक्ति से। ठीक है, वीकन का अर्थ होता है कमजोर करना, इसके लिए एक वर्ड और है अंडरमाइन। वॉइड मतलब खाली, ले मतलब बिछाना होता है, ले लेइंग द फाउंडेशन भी हम बोलते हैं, फाउंडेशन डालना। तो असेंट का यहां पर सही होगा, सही सिनोनिम जो होगा वो होगा क्लाइंब। ये है आपके अपोजिट वर्ड वैगिश। देखिए वैगिश का अपोजिट क्या होगा, वैगिश का अर्थ होता है जो जो थोड़ा सा जोकुलर है, जो मजाकिया है, जो सीरियस नहीं है। नॉन सीरियस के लिए वैगिश वर्ड यूज होता है, और सीरियस के लिए हम सॉलेम वर्ड यूज करते हैं। तो चूंकि अपोजिट वर्ड आपको चाहिए यहां पर, तो सॉलेम इसका सही आंसर होगा। फ्लिपेंट, फ्लिपेंट, सिली, फ्रोबोलस, ये एक ही वर्ड है। विम्सिकल का अर्थ होता है थोड़ा सा क्रेजी टाइप का एक व्यक्ति या सन की व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं विम्सिकल। जोकुलर मतलब मजाकिया। तो सॉलेम यहाँ पर इसका राइट अपोजिट वैगिस का होगा। डेसिक्रेट का एंटोनिम क्या है, डेसिक्रेट का एंटोनिम कौन सी क्रेट होता है। डेसिक्रेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को गंदा करना, ठीक है, और सेंक्टिफाई का अर्थ होता है किसी चीज़ को पवित्र करना। तो सेंक्टिफाई यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डेसिक्रेट का। प्रोफेन, बिफाउल और डिफाइल, ये तीनों एक ही वर्ड हैं। डिफाइल गंदा करना, बिफाउल गंदा करना, और प्रोफेन मतलब जो इररेवरेंट है, जो जो पवित्र नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेन। तो ये तीनों वर्ड तो मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन डेसिक्रेट का जो एंटोनिम होगा वो होगा सेंक्टिफाई। यहां पर आपको इडियम्स बताना है। विलो द विस्प, विलो द विस्प का क्या अर्थ है। विलो द विस्प का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल हो। तो यहां पर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब है कि किसी चीज को अचीव करने के लिए अलग अलग सिचुएशन से गुजरना, ठीक है। टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ये बी इसका सही आंसर होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वी डू नॉट अग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। अग्री में देखिए तीन इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, अग्री विद ए पर्सन, यदि आप किसी पर्सन के साथ अग्री हो रहे हैं तो विद आएगा, यदि किसी प्रपोजल के साथ अग्री हो रहे हैं तो टू आएगा, और थिंग्स के लिए हम ऑन लगा सकते हैं, कई सारी चीज़ों पर आप अग्री हैं। तो वी डू नॉट अग्री ऑन सर्टेन थिंग्स, तो ये सही है सेंटेंस, और यहाँ पर आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देयर आर टू पेंस हेयर एंड ईदर राइट वेल। ईदर देखिए हम दो के लिए यूज करते हैं, ईदर और नीदर, और ये सिंगुलर होता है। चूंकि ये सिंगुलर होता है ईदर और नीदर, इसलिए इसके साथ हम वर्ब में एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये सी जो ऑप्शन है ये इसमें आपका सही आंसर होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, एक हवा का झोंका, ठीक है, हवा के झोंके को हम बोलते हैं गस्ट। ट्रिकल का अर्थ होता है ड्रिप करना किसी चीज का, ठीक है। इम्प्लोजन का अर्थ होता है कोलैप्स करना, मेंटल का अर्थ होता है कवरिंग। तो गस्ट यहां पर सही आंसर इसका होगा, अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। फोबिया ऑफ डॉग्स, फोबिया ऑफ डॉग्स को फोबिया, देखिए जो डॉग्स होते हैं उनकी यदि आप नोज देखें, उनकी आप नाक देखें, तो थोड़ी सी अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो फोबिया ऑफ डॉग्स को, और नाक से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको हम साइनो जो रूट वर्ड है उससे कनेक्ट करते हैं। साइनो जैसे साइनस की बीमारी होती है, वो नोज में बीमारी होती है, तो साइनोफोबिया जो होता है वो फोबिया ऑफ डॉग्स होता है, साइनोफोबिया। बाकी इनको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा अलग वीडियो क्लास में। साइनोफोबिया होता है फोबिया ऑफ डॉग्स। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें BULL होता है बुलेटिन में, BULLETIN, ठीक है। तो ये स्पेलिंग गलत है, यानी इसका आंसर होगा ए। बैराज सही है, बायंट बिगनर सही है। बैराज का अर्थ होता है किसी चीज़ का एक बड़ा फ्लो, जहाँ पर जैसे गंगा बैराज आपने एक सुना होगा ज्योग्राफी में, ठीक है, जहाँ पर किसी चीज़ का ज़्यादा फ्लो होता है उसको हम बैराज बोलते हैं। तो बुलेटिन गलत स्पेलिंग है, ए आंसर होगा। यहाँ पर आपका कौन सी स्पेलिंग गलत है, गाइडेंस सही है, एम्बेसडर सही है, लेबरर सही है, हैंड कर चीफ, चीफ की स्पेलिंग गलत है इसमें,
एंड कर तो सही है, लेकिन चीफ की स्पेलिंग की वजह से ये सी आपका गलत हो गया, सी आंसर होगा इसमें। यहां पर हम पैराजंबल देखते हैं। देखिए पैराजंबल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्रॉपर लॉजिक, लॉजिक यदि आप अप्लाई करते हैं तो पैराजंबल के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और ये लॉजिक आपके अंदर आ सकता है रीडिंग से कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा सेंटेंस जुड़ेगा, क्योंकि कभी कभी काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप के सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, कभी कभी काफ़ी टेक्निकल टाइप के सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, तो उनको केवल और केवल आप लॉजिक से ही कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पैरा उठाए जाते हैं ये टेक्निकल बुक्स में से और बीच में से ये पैरा उठाए जाते हैं, तो इनका ये ज़रूरी नहीं है कि किस सेंस में बात हो रही है वहाँ पर आप मतलब निकाल पाएँ, लेकिन आप लॉजिक अप्लाई करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, नॉर्मली पैराग्राफ नाउन से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें नाउन है ही नहीं, इसमें सारे प्रोनाउन हैं, ही और ही। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एक दूसरा लॉजिक सेट करना होगा। देखिए, ही वॉज ए फनी लुकिंग मैन विद ए हाई बॉल्ड डोंट शेप्ड हैड, अ फेस वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन एंड ए लॉन्ग वेवी बियर्ड। मतलब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि फनी लुकिंग था, बॉल्ड था, चेहरा बड़ा था, और मतलब उसका माथा जो था वो बड़ा था, चेहरा छोटा था, दाढ़ी जो थी वो अजीब टाइप की थी, तो उसके जो फीचर्स थे वो बड़े अजीब तरीके के थे। तो यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फीचर्स की, ठीक है। यहाँ पर भी हम फीचर्स की बात कर रहे हैं आर में, जैसे यहाँ पर हम फीचर बता रहे हैं उसके, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि उसके फीचर की वजह से क्या फ़र्क पड़ता था। जैसे यहाँ पर आप देखिए, हिज अनयूजुअल फीचर्स वर स्टैंडिंग अ जोक अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, उसके अनयूजुअल फीचर की वजह से वो एक मजाक का पात्र बन जाता था लोगों के बीच में। तो यहाँ पर इसका एक लॉजिकल कनेक्शन बन रहा है, पी और आर का एक लॉजिकल कनेक्शन बन रहा है, पी और आर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, पी और आर का इसमें केवल एक ही ऑप्शन है और आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरे को पढ़ें, लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसमें देखिए पी आर और उसके बाद आ जाएगा क्यू, जैसे यहाँ पर आप लगा देखिए इसका क्यू का एस से कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये देखिए क्यू का एस से, यहाँ से मैं बताता हूँ कैसे बन जाएगा। ही डिड नॉट वर्क एट हिज ट्रेड आ स्टोन कटर मोर देन वॉट वॉज नेसेसरी टू कीप हिज वाइफ एंड थ्री बॉय अलाइव, और यहाँ पर लिखा है ही वॉज ए पुअर मैन एंड आइडलर। मतलब इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा काम नहीं करता था, जितना अपने बच्चे को और वाइफ को जीवित रखने के लिए जितना पैसा जरूरी था उतना भी वो काम नहीं करता था, इसका मतलब वो पुअर था और आइडलर था, ठीक है। तो इसका सेंस बन रहा है, क्यू और एस का भी सेंस बन रहा है और पी और आर का भी सेंस बन रहा है, तो इसलिए यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा पी आर क्यू एस। अब यहां पर देखिए ये भी बीच में से उठाया है और यहां पर भी आपको लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यहां पर पैराग्राफ जो होता है वो नॉर्मली नाउन से स्टार्ट होता है, प्रोनाउन बाद में आता है, तो इसमें प्रोनाउन नहीं है, इसमें प्रोनाउन नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पर एक प्रोनाउन है दे। अब ये दे किस नाउन के लिए यूज़ हुआ है ये इन तीनों में से किसी में आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे यदि आप यहाँ पर पढ़ें, ओइंग टू द मटेरियलिस्टिक कल्चर एल्सवेयर इट वॉज पॉसिबल टू कीप सेलिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर डिस्पाइट हैविंग एग्जिस्टिंग वंस विच सर्व इक्वली वेल, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है कंज्यूमर। Owing to the materialistic culture elsewhere, it was possible to keep selling newer product to the consumer. यहाँ पर हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि किसी जगह पर materialistic culture था, इसलिए वहाँ पर नए नए products को बेचना आसान था consumers को, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम बोल रहे हैं यहाँ पर consumer के लिए दे आ गया, ठीक है, तो इनका एक combination बन रहा है यहाँ पर। दे वर ल्यूड थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, उनको ललचाया जाता था, उनको अट्रैक्ट किया जाता था किसके थ्रू, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के थ्रू। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाद यही आएगा आर और एस। अब आर और एस का देखते हैं कॉम्बिनेशन है कि नहीं इसमें, आर और एस का कॉम्बिनेशन है आर एस, ठीक है, आर एस का केवल एक ही कॉम्बिनेशन है, इसमें आंसर होगा आपका बी आर एस पी क्यू, ठीक है। पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको, इसका उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है पैराजंबल को। देखिए ये है एक्टिव पैसिव वॉइस और इसके रूल यदि आपको आते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन। देखिए यहां से मैं पढ़ के बताता हूं आपको, जॉन वॉज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वॉज रिलीज्ड। ये सेंटेंस किस में लिखा गया है, ये सेंटेंस लिखा गया है पैसिव वॉइस में। हमने कैसे पहचाना कि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है,
यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। इज एम आर के साथ या वॉज वर्ब के साथ यदि थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो पूरा ही सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में, जॉन वॉज अरेस्टेड एंड जॉन वॉज रिलीज्ड, ठीक है। तो दो इसमें सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है और दोनों ही सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है। अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों ही सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यदि एक्टिव में आता है तो पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में आता है तो एक्टिव में चेंज करना है। तो ये पैसिव वॉइस है दो सेंटेंसेस। तो जॉन, देखिए, जॉन वॉज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर, जॉन को अरेस्ट किया गया मर्डर के चार्ज पर। लेकिन यहां पर एक एक बाय एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है। जैसे दिस लेटर इज रिटन बाय अ टीचर, पैसिव वॉइस में एक बाय एलिमेंट आता है, ठीक है। तो बाय यहां पर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि बाय जो है वो अंडरस्टूड है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो जॉन वॉज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर, तो यहां पर अंडरस्टूड क्या है, यहां पर अंडरस्टूड ये है कि बाय पुलिस, जॉन वॉज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर बाय पुलिस। तो यहां पर जो बाय एलिमेंट है जो कि छुपा हुआ है वो है बाय पुलिस। तो पुलिस जो है वो पैसिव वॉइस में तो यहां पर बाय के साथ लगा है, लेकिन एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी पुलिस से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो देखिए यहां पर, देखिए द पुलिस, यहां पर पुलिस कितने में दिया है, इसमें नहीं दिया और इसमें नहीं दिया, पुलिस केवल दो में दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, ठीक है। अब यहां से हम पढ़ते हैं, द पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस रिलीज्ड हिम, पुलिस रिलीज्ड हिम। देखिए पुलिस रिलीज्ड हिम, तो ये भी एक्टिव वॉइस है और ये भी एक्टिव वॉइस है। पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर, तो ये एक्टिव वॉइस है और नीचे वाला भी एक्टिव वॉइस है, तो ये सही है। इसमें देखिए जॉन से नहीं बनेगा सेंटेंस, पुलिस से बन सकता है, लेकिन इसको हम देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वॉज रिलीज। देखिए इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है ये एक्टिव वॉइस में दिया है और नीचे वाला पार्ट जो है ही वॉज रिलीज, मतलब पैसिव वॉइस है ये, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एक्टिव है एक पैसिव है, जबकि आपको दोनों पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। और इस वाले सेंटेंस में दोनों पैसिव सेंटेंसेस को एक्टिव में चेंज किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। बहुत सिंपल रहते हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये बहुत सिंपल रहते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। He said, I saw a snake there. उसने कहा कि मैंने वहां पर सांप को देखा। अब नरेशन का सिंपल सा रूल है कि प्रिंसिपल जो वर्ब है ये पास्ट में है, तो ये पूरा पार्ट भी पास्ट में चला जाएगा। पास्ट में हम क्या करते हैं, दिस का हम दैट कर देते हैं, दिस का हम दोस कर देते हैं, हेयर का हम देयर कर देते हैं, तो ये हेयर देयर में चेंज हो जाएगा। अब देयर वाले केवल दो ही सेंटेंस दिए हैं इसमें, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकाल सकते हैं इस वर्ब के थ्रू। ये वर्ब जो है ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये वर्ब जो है ये क्या टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो सॉ का क्या हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा, देयर भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए कनेक्टर इसमें जो यूज करेंगे वो हम दैट यूज करेंगे, तो दैट भी इसमें लगा है, ही सेड भी लगा है, ठीक है। पास्ट सिंपल का हमने पास्ट कंटिन्यूस कर दिया, हेयर का हमने देयर कर दिया, तो इस तरीके से ए यहां पर इसका सही आंसर होगा। ये क्लोज टेस्ट है और इसको हम पढ़ते हैं। मोरलिटी इज विथ एथिक्स एंड सिंबलाइजेज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शंस राइट और रॉन्ग। देखिए मोरलिटी क्या होती है, मोरलिटी का मतलब है कि आपके अंदर इतना ज्ञान है, आपको पता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, किस काम को करना सही है, किस काम को करना सोशली एक्सेप्टेबल है, किस काम को करना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मोरलिटी इज विद एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है सही और बुरे की समझ, और मोरलिटी भी वही होती है। तो मोरलिटी को हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। मोरलिटी इज आइडेंटिफाइड विथ एथिक्स, आइडेंटिफाई का मतलब है कि मोरलिटी और एथिक्स एक ही चीज है, इसीलिए हम मोरलिटी को एथिक्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई के साथ विद भी आता है, तो उस हिसाब से भी यहां पर आपका बी जो होगा वो सही आंसर होगा। मोरलिटी इज डिस्कस्ड विद एथिक्स, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा इसका कि मोरलिटी को एथिक्स के साथ डिस्कस किया जाता है। यहां पर हम बोल रहे हैं कि मोरलिटी को क्या माना जाता है या क्या समझा जाता है। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं कि मोरलिटी इज identified with ethics and symbolizes the doctrine of actions right or wrong,
ठीक है, मोरलिटी में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, हम इस चीज़ की विचारधारा को पढ़ते हैं कि कौन से एक्शन हमारे राइट हैं, कौन से एक्शन हमारे रॉन्ग हैं। तो आइडेंटिफाइड यहाँ पर सही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पॉलिटिक्स इज द ऑफ एक्सपीडियंसी। पॉलिटिक्स देखिए, एक्सपीडियंसी का यदि आपको मतलब यहाँ पर नहीं पता होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और आप अगर करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो फिर आपको इसको एलिमिनेट करके इसको निकालना होगा। एक्सपीडियंसी का मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं स्वार्थ पूरक, शुद्ध हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्वार्थ पूरक। कोई चीज से यदि आपका स्वार्थ पूरा हो रहा है, भले ही वो चीज़ गलत हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपीडियंट। किसी भी चीज़ से यदि आपका आपका मतलब आपका काम पूरा हो रहा हो, भले ही वो चीज़ मोरली करेक्ट हो या नहीं हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपीडियंसी। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स अपने आप में एक नोशन है, एक विचारधारा है, ठीक है। तो डी यहां पर आपका सही आंसर होगा। पॉलिटिक्स इज द सोर्स ऑफ एक्सपीडियंसी, ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है एक विचार है जिसको आप एक्सपीडियंसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स इज द नोशन ऑफ एक्सपीडियंसी एंड नीड नॉट ऑलवेज बी राइट। मतलब पॉलिटिक्स जो है वो एक्सपीडियंसी का नोशन है, एक्सपीडियंसी से कनेक्टेड एक विचार है। एक्सपीडियंसी का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ से यदि आपका मतलब पूरा हो रहा है, आपका काम पूरा हो रहा है, भले ही वो मोरली इनकरेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपीडियंसी या एक्सपीडियंट। तो पॉलिटिक्स में यही तो होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो अपने काम को किसी भी तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मोरली करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, मोरली राइट हो या रॉन्ग हो। तो इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिक्स के हम ये बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स किस तरह की एक विचारधारा है, किस तरह का एक विचार है। तो पॉलिटिक्स इज द नोशन ऑफ एक्सपीडियंसी, ठीक है, एंड नीड नॉट ऑलवेज बी राइट। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा राइट हो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट। इफ समथिंग इज रॉन्ग एंड यहाँ पर आगे देखते हैं कि क्या है, इट कैन नॉट बी। देखिए, इफ समथिंग इज रॉन्ग, अगर कोई चीज़ गलत है और केवल एक्सपीडियंट है, केवल एक्सपीडियंट है, मतलब यहाँ पर हम भर सकते हैं मेयरली, केवल एक्सपीडियंट है, मतलब उसके थ्रू आपका पर्पज़ हो रहा है, आपको ये चिंता नहीं है कि वो चीज़ गलत है या सही है, तो इट कैन नॉट बी, ये चीज़ पूरी तरीके से इमोरल नहीं हो सकती, ठीक है। इमोरल तो पूरी तरीके से अनैतिक हो जाएगा, लेकिन एक्सपीडियंट का मतलब होता है कि उससे आपका काम पूरा हो रहा है, वो थोड़ा सा मोरल या इमोरल हो सकता है, तो इसीलिए इमोरल वर्ड यहां पर आएगा, इट कैन नॉट बी इमोरल। तो क्लोज टेस्ट जो था ये काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी था, और टीयर वन का ये क्लोज टेस्ट है। तो आपके जो मेंस एग्जाम होता है सीजीएल टीयर टू का, उसमें आपका पैसिव वॉइस, नरेशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और आरसी, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो अभी तो ये टीयर वन के आप सारे पेपर्स करें और इनके थ्रू आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में टीयर टू के जो क्वेश्चंस हैं, जो रियल क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये सेट 11 था, ठीक है। इसके आगे के सेट भी जल्दी ही अपलोड होंगे इस वीडियो कोर्स में, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और इसका फीडबैक आप मुझे इस ईमेल आईडी और इन कॉल इन व्हाट्सएप नंबर पर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।